Hare Krishna. आज चौथे इसी जनजाति सम्मेलन में मायापुर के इसी पवित्र आंगन में आयोजित इसी जनजातीय सम्मेलन में आज हम सबके बीच उपस्थित झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री आदरणीय सरजू राय जी, मंचासीन परम पूज्य श्रद्धे व्यक्ति पुरुषोत्तम स्वामी जी महाराज, साथ में उपस्थित श्रद्धे श्री देवकी नंदन प्रभु जी, श्री सूर्य कांचन दास प्रभु जी, मंचासीन श्री राम गोविंद दास जी, साथ ही श्री युधिष्ठिर दास प्रभु जी, सम्माननीय मंच उपस्थित सभी सम्मानित संतजन, आज के इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपस्थित मुझे जो जानकारी प्राप्त है, लगभग देश भर के 5 राज्यों से आज के इस जनजातीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपस्थित हमारे त्रिपुरा, मेघालय, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि 5 राज्यों से उपस्थित सभी सम्मानित जनजाति माताएं, बहनें, भाइयों और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे इस्कॉन से जुड़े हुए सभी भाइयों, बहनों, प्रेस के मित्र, साथी, आज जैसा कि आप सभी को जानकारी है, यह चौथा यह जनजाति सम्मेलन है अपने इस्कॉन के तरफ से, और हर साल मैं इसके पूर्व में भी आज से 2 साल या 3 साल पहले इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपके बीच में आया था, और इस बार भी मुझे आप सभी लोगों के बीच आने का एक सानिध्य प्राप्त हुआ है। मुझे काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे काफ़ी गौरव हो रहा है कि आज मैं इस चौथे जनजातीय सम्मेलन में आपके बीच इस कार्यक्रम में मैं भाग ले सका। और मैं पहले तो आप सभी को विशेष रूप से आज की इस दिन पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी जनजाति थे, वनवासी थे, आदिवासी थे। आज उनकी जन्मदिन है और उसके जन्मदिन पर मैं पूरे आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और साथ ही मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में, मैं इससे झारखंड से हूँ, मेरे बारे जानकारी दी गई
और मेरी लोकसभा क्षेत्र में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र जो है उसी लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो गृह जिला है गुमला, उसी गुमला से लगभग उसी गुमला जिला में मुख्यालय से लगभग 10-12 किलोमीटर के अंदर में हनुमान जी की जन्मस्थली है जहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। आज भी उस स्थान में माता अंजनी की गोद में खेलता हुआ हनुमान जी की बहुत ही अति प्राचीन वहाँ पर प्राप्त हुई है बाल रूप में, जहाँ पर माता अंजनी की गोद में हनुमान जी विराजमान है। साथ ही माता अंजनी की गुफा है और उसके अलावे उसके आसपास के जो गांव हैं, खेतों में, खलिहानों में, बगीचों में, नदियों के किनारे, खेत के मेड़ों में शिवलिंग काफी संख्या में कहा जाए आज वहां पर बिखरे पड़े मिलते हैं, जो उसके सबूत हैं, उसके प्रमाण हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड के गुमला के उस आंजन गांव में हुआ था। मुझे जो जानकारी है वो आपको हमने बताया, इसे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रदेश के लोग अपने अपने स्तर पर लोग दावा करते हैं कि हमारे यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। उसी प्रकार हम भी इन प्रमाणों के आधार पर हम मानते हैं कि हमारे झारखंड में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और आज स्वाभाविक रूप से इस्कॉन अपने जैसा कि हमारे स्वामी जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि हम अपने जनजातियों के बीच में, अपने जनजाति समाज के बीच में हम किस लक्ष्य को, किस उद्देश्य को लेकर हम काम करते हैं। हमारा मात्र उद्देश्य स्वामी जी ने बताया अपने उद्बोधन में कि मात्र भौतिक सुख प्राप्त नहीं कराना, भौतिक सुख ही प्राप्त न कराना, बल्कि आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी कैसे हमारे जनजाति भाइयों को, बहनों को, हमारे जनजाति समाज को मिल सके, ऐसा अपना इस संस्थान का उद्देश्य भी है। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के माध्यम से अभी हम सभी लोगों ने देखा कि हमारे भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए हमारे जनजाति भाइयों ने, बहनों ने और छोटी छोटी बच्चियों ने भी जो हमारे स्कॉन के विद्यालयों में, गुरुकुलों में पढ़ती हैं, लोगों ने किस प्रकार गीता का श्लोक का पाठ की, संस्कृत में लोगों ने वंदना किया और संस्कृत के साथ साथ गीता का उस श्लोक का पाठ करके अंग्रेजी में भी, मैं समझता हूँ कि उसका अनुवाद करने का काम हमारे नन्हे मुन्ने जो छोटी छोटी जो बच्चियाँ थी यहाँ पर, जो यहाँ के हमारे गुरुकुल के आश्रम में पढ़ती हैं, मुझे शायद जानकारी मिली स्वामी जी ने बताया कि त्रिपुरा की बच्चियाँ थी, जो त्रिपुरा में जो हमारा संस्थान के तरफ से जो स्कूल चलता है उस स्कूल की वो बच्चियाँ थी। और इसी प्रकार पांचों राज्यों में अनेकों काम इस संस्थान के माध्यम से चल रहा है कि कैसे जनजाति समाज का भौतिक सुख भी बढ़े। भौतिक सुख कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी आर्थिक उन्नति कैसे हो, जिसको आज की भाषा में हम कहते हैं उसकी आय बढ़नी चाहिए, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबन हो, आर्थिक दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और शिक्षा की दृष्टि से भी। तो निश्चित रूप से किसी भी समाज के उत्थान के लिए यह तीनों की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ कैसे हमारा जनजाति समाज अध्यात्म के साथ जुड़े, कैसे एक भक्तिपूर्ण वातावरण बने, इस ओर भी इस्कॉन ने प्रयास किया है। ऐसे देखा जाए तो संपूर्ण जनजाति समाज पूरे देश भर में, लगभग 2-3 राज्यों को छोड़ के हम लगभग सभी राज्यों में
हमारा जनजाति समाज है पंजाब और दिल्ली और हरियाणा को छोड़ के, और जनजाति समाज की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वह काफी उसकी धरोहर जो कहा जाए, उसकी जो विरासत है वह काफी रिच है, काफी समृद्ध है। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आज भी उसकी जो संस्कृति और परंपराएं आज इसीलिए आज समृद्ध है। इस बात को मैं इसीलिए मैं दोहरा रहा हूं कि सबसे निकट प्रकृति के साथ और प्रकृति के तन्मयता के साथ अगर आज कोई जुड़ा हुआ अगर समाज है आज के भौतिकवादी युग में भी, तो वह जनजाति समाज है। प्रकृति के साथ उसकी जो निष्ठा, उसके प्रति जो प्रेम आज तो दिखलाई पड़ती है, उसके जो भी पर्व और त्योहार, उनके जो भी आस्थाएं, उनकी जो भी संस्कृति, सारी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। और आज उनका जो सामूहिकता का जीवन, किसी भी काम को करने के लिए आज खास करके कोऑपरेटिव भाव देखना हो, भाईचारा देखना हो, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, किसी भी प्रकार के, चाहे वो धार्मिक परंपराएं हो, किसी भी प्रकार की अनुष्ठाएं आज अपने जनजाति समाज में सामूहिक रूप से एक दूसरे को सहयोग करते हुए की जाती है। मैं बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा और आज निश्चित रूप से इस्कॉन ने जनजाति समाज कैसे आगे बढ़े, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि से भी कैसे समृद्ध हो, कैसे स्वावलंबन हो, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और मैं निश्चित रूप से आज इस अवसर पर मैं अपने संस्थान के तरफ से मैं आप सभी को इतना ही मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं जिस विभाग का, जिस मंत्रालय का मंत्री हूँ, आपने भी अपने उद्बोधन में आग्रह किया है कि हमारी जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं जनजातियों के लिए चलती है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, या उनके स्वावलंबन के लिए, जिसको हम कौशल संपन्न शिक्षा भी कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट का, कौशल विकास का, इसके लिए आप निश्चित रूप से आगे आएं, इसका आप प्रस्ताव तैयार करें, प्रोजेक्ट बनाएं, हम निश्चित रूप से आपके सहयोग के लिए, हमारा मंत्रालय निश्चित रूप से तत्पर रहेगा, हम निश्चित रूप से आपको हम भरपूर सहयोग करेंगे। और आज भी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी की भी एक सपना है कि आने वाले और खास करके इस वित्त वर्ष में जिन जिलों का और जो और विशेष रूप से खास करके इस बार के बजट में जहां पर 50% से जिस ब्लॉक में, जिस तालुका में, जिस मंडल में अपने जनजातियों की संख्या है, ऐसे ब्लॉकों, ऐसे वहां पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना करने की योजना है अभी, या हमारे मंत्रालय की तरफ से देश भर के सभी जनजाति जिलों में एकलव्य आदर्श मॉडल स्कूल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। कई जगह यह विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, कई जगह यह विद्यालय बन रहे हैं, पर आगे इस बार के बजट में भी जो हमने बताया, इसको ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर तक, मंडल स्तर तक, जहाँ की आबादी 50% सुपद रहेगी अपने जनजातियों की, वहाँ तक इस विद्यालय को पहुँचाने का योजना है। और इसकी पूरी राशि भारत सरकार, हमारी जनजाति मंत्रालय, उसके छात्रावास के साथ साथ विद्यालय के जो भी संसाधन हैं, खाली राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराना पड़ता है, बाकी उसके जो भवन हैं, बाकी जो संसाधन हैं, उसकी व्यवस्था भारत सरकार करती है।
इसको भी हम पीपीपी मोड में कहा जाए, जो हमारी सरकार के सरकारी संस्थानों के अलावा जो अन्य जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के माध्यम से उस विद्यालय का भी संचालन होता है। इसीलिए मैं भी अपने स्कॉन के अपने संबंधित सभी अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे एकलव्य मॉडल जो हमारा जो रेसिडेंशियल जो स्कूल है, इस स्कूल को भी आप जहाँ जहाँ हमारा काम है, आपका जहाँ जहाँ पर काम है, मैं आग्रह करूँगा कि इस विद्यालय को भी आप पीपीपी मोड में इस विद्यालय को चलाने के लिए आप आगे आइए, ताकि उस विद्यालय में एक शिक्षा के साथ साथ उनके जीवन स्तर को भी और उन्हें संस्कारित शिक्षा के लिए एक अच्छी शिक्षा आपके माध्यम से मिल सके। और मैं बहुत ज़्यादा और कुछ ना कहते हुए कि मुझे वापस भी जाना है, मैं आप सभी का स्नेह और आप सभी का आपके प्रति जो हमारा लगाव है, मैं बीते कल आप सभी को मैं जानकारी दे दूं, मैं गुजरात में था और गुजरात में एक जनजाति जिला है, आदिवासी जिला है जिसको छोटा उदयपुर बोलते हैं, वहाँ पर एक जैन संत हैं, आदिवासी हैं, आदिवासी साधु हैं जैन समाज के, उसके तरफ से एक उन्होंने एक संस्था बनाई है सुखी फाउंडेशन, ट्राइबल उद्योग सुखी फाउंडेशन। तो अपने तरफ से उस ट्रस्ट के तरफ से वहाँ पर एक लंबे आवासीय विद्यालय अपने संस्थान के तरफ से चलाते हैं, तो उसका एक वार्षिक उत्सव था, भगवान महावीर की जयंती समारोह थी, परसों ही महावीर स्वामी जी का जन्मदिन था, तो उस दृष्टि से उस वहाँ पर मेरा कार्यक्रम था और वहीं से मैं आपके बीच में आप आज के इस जनजाति सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं आया हूँ। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा आप सभी भाइयों से बहनों से कि संस्था एक अच्छे उद्देश्य को लेकर आपके लिए, हम सभी जनजाति भाइयों के लिए, बहनों के लिए, समाज के लिए काम कर रही है। स्वामी जी लगातार महीनों, जैसा कि अभी उन्होंने बताया, पैदल कहीं नौका के माध्यम से, कहीं स्वाभाविक रूप से पहाड़ी क्षेत्र वन प्रदेश जिसको हम कहते भी हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से थोड़ी सुविधाओं का अभाव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका निरंतर प्रवास अपने आदिवासियों के बीच में, अपने जनजातियों के सुख दुख में, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और उनके बीच की जो भी समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, अन्य जो भी समस्याएं हैं या समाज के अंदर की भी जो विकृतियां हैं, आज अपने जनजाति समाज के अंदर में स्वाभाविक रूप से एक नशापान का एक जो प्रचलन है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आज हमारे इस्कॉन के तरफ से, संस्था के प्रयास से, जिस प्रकार का एक भक्तिपूर्ण वातावरण अपने समाज के अंदर में बना है, अभी हम सभी लोग देखे आने के पहले कार्यक्रम जो चल रहा था, अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि भाइयों के माध्यम से, बहनों के माध्यम से जो हरि नाम का जो संकीर्तन जो हुआ है, निश्चित रूप से हम सभी लोगों को काफ़ी आनंद दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी आध्यात्मिक कार्यक्रम के माध्यम से, इसी हरिनाम संकीर्तन के नाम से ही एक बड़ी वैचारिक, आध्यात्मिक और मैं समझता हूँ कि हिंसा मुक्त और जिसको हम व्यसन मुक्त कहते हैं, नशा मुक्त समाज का भी निर्माण होगा, और तभी हमारा यह जनजाति समाज, हम सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए समाज के अंदर की भी जो कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ को आगे बढ़ाते हुए और समाज के अंदर की कुछ बुराइयाँ भी होंगी, चाहे वो नशापान के रूप में होगा, चाहे हिंसा के रूप में होगा, या अन्य प्रकार की जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, या कुछ अंधविश्वास होगा, उसको भी त्यागते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्वामी जी ने परिचय कराया कि आज कैसे हिंसा से जुड़कर
हमारे खास करके आज अपने जनजाति परिवार के लोग, जिसमें से भी हमारे त्रिपुरा के हमारे दो भाइयों का जो परिचय कराया गया, दोनों विपरीत दिशा में थे। कहीं ना कहीं उनका हिंसा से उसका तात्पर्य था जुड़ा हुआ, अपने संस्थान के प्रभाव से, स्वामी जी के प्रभाव से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी वैचारिक परिवर्तन हुई है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, बहुत ज़्यादा और कुछ न कहते हुए हमारी आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और हमारे स्वामी जी की तरफ से, अपने संस्थान के तरफ से जो भी आज कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से अपने जनजाति समाज के लिए अत्यंत ही बेहतर कार्य है। चाहे आज फूड का कार्यक्रम हो, चाहे शिक्षा का कार्यक्रम हो, या स्वास्थ्य, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हो, मैं समझता हूँ कि इसका लाभ अपने जनजाति समाज के लोगों को काफ़ी अच्छा हो रहा, निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।